फिल्मों में बहुत सारे जॉनर्स होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नेल बाइटिंग और एक्साइटिंग जो होता है वो है एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर। तो अगर मेरी तरह ये जॉनर आपको भी सबसे ज्यादा पसंद है तो तैयार हो जाइए एक थ्रिलिंग एडवेंचर में जाने के लिए विद द अपकमिंग फिल्म कोई जाने ना, विच ऑफ कोर्स इज अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर। और इस फिल्म के बारे में बात करने के लिए वी हैव द लीड एक्ट्रेस, द वेरी ब्यूटिफुल एंड नेचुरली टैलेंटेड एज मेनी कॉल हर, अमायरा दस्तूर। सो पंजाब कैसी नवद टाइम्स में अमायरा, मैं निधि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच यार, इतनी अच्छी स्वागत की आपने मेरी। वेल इट्स वेल डिजर्व्ड अमायरा, बिकॉज ये सिर्फ मेरे थॉट्स नहीं है, आपके साथ जो लोग काम कर चुके हैं उनके भी थॉट्स हैं, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फर्स्टली हाउ एक्साइटेड या फिर नर्वस हैं आप रिलीज को लेके? एक्चुअली यू नो, आजकल मैं नर्वस नहीं हो जाती हूँ, अभी इतने रिलीज हो चुके हैं ओटीटी पे भी या थिएट्रिकल रिलीज पे। सो फॉर मी अभी मैं बस एक्साइटेड हो जाती हूँ, मुझे मौका मिलता है अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए, हेयर एंड मेकअप, यू नो। सो अभी मैं खुश हूँ, यू नो, जहाँ पे जिस तौर पे मैं अभी चल रही हूँ मैं बहुत खुश हूँ, सीइंग वेयर माय करियर इज गोइंग। सो फॉर मी आई एम जस्ट ग्रेटफुल। वाओ वाओ, ओके, बट टॉकिंग अबाउट द फिल्म, मुझे ये बताइए कि आपका रोल क्या है, और जब आपको ये नरेट किया गया तो सबसे एक होता ना, व्हाट इज द वन थिंग जो आपको लगा ये फिल्म तो मुझे करनी है, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? तो जब अमीन जी हमारे निर्देशक ने नरेशन दिया मुझे, मुझे लगा कि ये किरदार जो है सुहाना इज एग्जैक्टली लाइक मी। वो बहुत बबली है, वो जिंदगी से बहुत खुश है, यू नो, वो हर नेगेटिव एक पॉजिटिव को टर्न करती है, एंड आई फील लाइक दैट्स हाउ आई एम। वो भी एक फ्री स्पिरिट है, यू नो, जो भी दिमाग में आता है वो सीधा बोल देती है, एंड दैट इज समबडी दैट आई नॉट जस्ट रिलेट टू बट दैट आई एम। तो मेरे लिए लाइक मैं इतनी खुश हो गई बिकॉज आई एम लाइक आई कैन प्ले दिस कैरेक्टर टू द टी, यू नो, दिस इज मी। तो एक्टिंग की जरूरत ही नहीं आएगा। सो आई थिंक जब ऑडिशन किए थे मेरे साथ, आई थिंक दैट्स व्हेन अमीन ओनली नोटिस्ड हिमसेल्फ कि यार ये लड़की में सुहाना है, एंड आई थिंक वो सुन के मैं बहुत खुश हो गई, एंड ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया बिकॉज इट्स नॉट इजी, यू नो, डूइंग अ न्यू कैरेक्टर एवरी टाइम। एंड आई थिंक फॉर मी दिस फिल्म यार वॉज ईजी बिकॉज मैं जानती थी कि मैं क्या करने वाली हूँ, कैसे करने वाली हूँ, प्रैक्टिस भी नहीं करती थी बहुत। आई थिंक कुणाल सर वुड गेट अ लिटिल इरिटेटेड बिकॉज ही'd कम टू मी एंड से ए लाइंस पड़े, एंड आई एम लाइक नो सर, आई एक्चुअली वांटेड टू बी थोड़ा स्पॉन्टेनियस, डू यू माइंड? ही'ज लाइक नो नो ऑफ कोर्स। तो यू नो इस तरह से आई रियली गॉट टू एक्ट द वे आई वॉन्टेड टू फॉर द फर्स्ट टाइम इन मेनी मेनी ईयर्स। आई मीन माई डायरेक्टर वॉज एटलीस्ट काइंड इनफ कि ही ट्रस्टेड मी टू डू दैट, Varna, I mean, otherwise you follow a certain set of rules, you have to do certain things for your characters. Lekin iske liye zyadatar workshops bhi nahi the, research bhi nahi tha. It was an easy character for me to play. And I'm glad I got to play this. Wow. Also, abhi kuch der pehle Amin se hi meri baat ho rahi thi, and you know, talking about you. Haan, toh aapke bare mein baat hui, toh unhone bola ki, jaise aapne kaha, audition mein hi, you know, he was judging every little thing that you were doing. जब आप मीटिंग में ही गए थे तो ही ऑल्सो सेड कि मतलब मुझे मेरा कैरेक्टर, मेरी एक्ट्रेस जो है वो अमायरा में मिल गई थी द मोमेंट शी केम एंड सैट डाउन। मतलब आई थिंक वो आपकी स्पिरिट रही होगी। बट अमीन की ये पहली डायरेक्टरल फिल्म है, ही हैज ऑल प्रेजेस अबाउट यू, उन्होंने बोला यूर अ नेचुरली गिफ्टेड एक्ट्रेस, ज्यादा आपको एफर्ट नहीं लगाने पड़े। बट टेल मी, अमीन के साथ आपका कैसा वर्क रिलेशनशिप रहा, बिकॉज उनका पहला ये डेब्यू है? I think with Amin, because he's so close to Kunal, वो actually बहुत पुराने दोस्त है, and I think even with Amir sir, लगान से ही उनकी दोस्ती बढ़ गए। So I remember both of them would have their like little bromance, you know, और मुझे बहुत like बहुत बुरा लगता था क्योंकि I was like अरे यार मुझे भी include करो, you know, what is this little guspus you all do in the corner and everything. So it was a lot of fun. It was this very family wali feeling, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, because Amin really, he उनके पास दो बेटियां हैं, so he really treated me like a daughter, and for that I felt very happy, क्योंकि you know, फिर जब environment इतनी अच्छी है, जब लोग इतने अच्छे हैं ना, you want to go 100%.
कि लाइक यार मैं इस सीन को आई विल किल इट इन दिस सीन यू नो लाइक दैट. एंड वो मेरा माइंडसेट था. हर दिन जब मैं सेट पहुंचती थी मैं सोचती थी कि मैं क्या करने वाली हूँ. फिर अमीन आता था एंड ही वाज लाइक ओके अमायरा सो व्हाट आर वी गोना डू टुडे. तो उसके एनर्जी की वजह से ना हम सबको इतना एनर्जी मिला और यू नो इतना फायर मिला कि यार अमीन के लिए ही हम अच्छे करेंगे बिकॉज दिस इज हिज फर्स्ट फिल्म. सो वी वॉन्टेड टू डू इट फॉर हिम. करेक्ट करेक्ट. बट सी ही इज ऑल्सो एन एक्टर, ब्रिलियंट एक्टर भी वो है. yeah. तो ऐसा कभी रहता था कि वो आपको बोले कि नहीं ये सीन ऐसे नहीं ऐसे करते तो और अच्छा लगता, मतलब अपनी एक्टिंग इनपुट्स? Actually, बिल्कुल opposite था. I mean, understood, you know. तो I know a lot of directors feel like, you know, हम सारे actor लोग tantrums देते हैं set पे और ये वो, but Amin understood. जब actor के दिमाग से सोचता है ना तो he understood why. Like I would be like, no, I can't do this. It doesn't feel right. He's like, okay, you're the actor. You understand the character. Okay. तो you know, we would argue, लेकिन he would understand that perspective. And I think that's the beauty of an actor cum director ki, you know, actor ke side bhi wo samajh sakte hai aur ek nirdeshak ke side se bhi wo samajh sakta hai. And that really worked. So there was never a time where he would like be like, you know, aap ye karo ya ye karo. No, he'd ask us ki aap kya karna chahti hai, aapko kya lag, Suhana kya karegi is scene mein. To us tarah se hum pure film shoot kiye the. And I think that's what's really worked. ओके. एंड ऑल्सो जैसे आपने कहा कि यू डोंट हैव टू प्ले सुहाना बिकॉज अमायरा इज सुहाना, मतलब वही आपको ऐसा लगता है, इट्स योर नेचुरल थिंग. बट कुणाल की जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है एंड आई थिंक वैसा ही उनका कैरेक्टर भी है. तो ये जो डिफरेंट ऑपोजिट, इनफैक्ट अमीन ने भी मुझे बोला वो दोनों बिल्कुल पोल्स ऑपोजिट है. तो यू नो ये साथ में एनर्जी को सिंक करना कैसा रहा? No, so it was fun. मैं कुणाल की मैं उसकी टांग खींचती थी बहुत बार. So every time he had a serious scene, he would be like, you know, Amira, stay away. Amira, go. Don't make me laugh. क्योंकि मैं I like making people laugh. You know, jokes मारती हूँ set पे या एक दो pranks भी करती हूँ. तो कुणाल had a few days where his character was very serious. मतलब like he had to get into that zone. और वो इतना आसान नहीं है यार. मतलब यू नो यू हैव टू गो इनटू दिस वेरी सीरियस जोन. यू कैन ओवर एक्ट, अंडर एक्टिंग भी नहीं कर सकते हैं वरना लोग बोलेंगे अरे अरे क्या कर रहे हैं यू नो. सो आई वुड एक्चुअली गिव हिम हिज स्पेस एंड देन फाइनली व्हेन ही वाज डन ही कम टू मी एंड बी लाइक चल हमारा जोक मार यू नो आई मीन खत्म हुआ. सो आई थिंक वी वर्क्ड वेल, वेरी लाइक रियली वेल टुगेदर. आई थिंक दैट्स व्हाई लोग अभी वो हमारे जो गाना अभी निकला इश्क करो दिल से, लोग कह रहे हैं या और कह रहे हैं कि केमिस्ट्री तो है. सो आई थिंक दैट्स व्हाट वर्क की जब मुझे स्पेस चाहिए था ही वुड गिव मी दैट. कभी नहीं एंड ही सच अ सीनियर एक्टर इन टर्म्स ऑफ लाइक हिज वर्क एंड हिज एक्सपीरियंस. मतलब यू नो रंग दे बसंती, गोल्ड, आई हैव सीन ऑल हिज फिल्म्स एंड आई थिंक यू नो बहुत अच्छे एक्टर है यार. मतलब ही इज सुपर्ब. सो आई वॉज थोड़ा लाइक यू नो मैं तो शर्मा रही थी सामने की यार मुझे सीन में आई होप आई कैन डू लाइक थोड़ा जस्टिस टू द सीन एंड आई होप ही डजंट ओवरशैडो मी यू नो. क्योंकि वो होता है यू नो अगर कुणाल इतने अच्छे से सीन करता है और मैं ठीक से नहीं करती हूँ देन इट लुक्स बैड फॉर द फिल्म. सो आई वुड ऑलवेज कम इन लाइक दैट विद यू नो दैट इन माई हेड कि यार मुझे 100% परफॉर्मेंस देना है वरना मेरी तो कट जाएगी. Okay. So yeah, so that way we were very good. We gave each other space. We were friends also. Spoke on set. So yeah, that was there. हमारा जब फिल्म आती है तो ऑडियंस को सिर्फ यू नो वो ढाई तीन घंटे की फिल्म देखने के लिए मिलती है. बट एज एक्टर्स आप बहुत इन्वेस्टेड रहते हैं फिल्म के साथ, बहुत अप्स एंड डाउन होते हैं, यू नो थिंग्स कैन गो राइट, थिंग्स कैन गो रॉन्ग. ये जो बिहाइंड द सीन होते हैं ना, मैं बहुत क्यूरियस रहती हूँ ये जानने के लिए. तो और क्योंकि आपने कहा आप प्रैंकस्टर भी रही, प्रैंकस्टर हैं और ना आपको अच्छा लगता रहो, तो सेट पे ऐसा कुछ हुआ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? तो कुणाल इज वेरी टॉल इफ यू नोटिस और मेरा हाइट आई एम 5'6.5". सो इट वाज रियली फनी क्योंकि हर क्लोजअप के लिए ना क्लोजअप सीन के दौरान उन लोग एक स्टूल लाते थे. सो दे कॉल्ड इट लाइक अमायरा स्टूल. तो एक दिन मैं क्योंकि यू नो मुझे लाइक तंग आ गया जब हर दिन उन लोग अरे अमायरा जी की स्टूल लाओ उनका स्टूल लाओ यू नो उन लोग चिल्लाते थे सेट पे. तो एक दिन मैंने स्टूल को छुपा दिया एंड
फॉर लाइक 1 आवर पूरे सेट के लोग, ओ माई गॉड, द वे दे वर लुकिंग फॉर दैट स्टूल, बिकॉज हम शॉर्ट ही नहीं ले सकते थे. तो या एंड आई थिंक फाइनली अमीन को पता चला कि यार अमायरा ने कुछ किया, क्योंकि वो चुपचाप वहां कोने में बैठ रही है और हंस रही है, यू नो, एक रानी की तरह. सो ही फाइनली केम अप, ही लाइक, ही आस्क्ड मी लाइक, वेयर इज द स्टूल? सो आई सेड, आई वाज लाइक, इस कमरे में, इसके नीचे. एंड ऑल्सो दे फाइनली गॉट इट आफ्टर एन आवर डीओपी. इतने लोग इतने गुस्से हो गए मेरे साथ, लेकिन 2-3 घंटों के बाद एवरीथिंग वाज फाइन. सो या तो ये छोटे छोटे चीजें मैं करती थी, लाइक यू नो, फ्रॉम टाइम टू टाइम आई वुड हाइड थिंग्स. वॉकी के साथ मैं, यू नो, एडीज के साथ बहुत मजाक करती थी कि अरे अरे अमायरा सेट से निकल गई, अभी क्या करें, कहाँ है, यू नो, थोड़ा थोड़ा परेशान करती थी लोगों को. मजा आता है. वाओ, ग्रेट. सो यू हैड अ फन टाइम शूटिंग ना पूरा? I did. I don't know about the others, but I did. ठीक है, वो मैं बाकियों से भी पूछूंगी कि उन्हें कितना मजा आया, especially आपके pranks के बाद. But Amaira, you recently had a fan girl moment जहाँ पर screening हुई थी crew और cast के लिए. आमिर भी थे, उन्होंने आपके काम को काफी ज़्यादा पसंद किया. So please share that. I can't stop smiling. Yeah, I can see you blushing also. क्योंकि आमिर सर मेरे लिए, आई रिमेम्बर, अगर आप मेरे प्रीवियस इंटरव्यूज भी देखेगी तो ही इज माई नंबर वन लाइक इंस्पिरेशन. यू नो, व्हेन आई थिंक ऑफ एक्टिंग आई थिंक ऑफ आमिर खान. तो जब मैं उसे मिले थे पहले बार स्क्रीनिंग पे, लाइक आई मीन जस्ट बिफोर वी वेंट इन फॉर द मूवी, तो मेरे मुंह से कुछ लाइक शब्द भी नहीं निकले. आई वाज जस्ट लाइक, हाय सर, हाउ आर यू, नाइस टू मीट यू. यू नो, मैं आंखों भी नहीं देख सकती थी. सो इट वाज रियली स्वीट, एंड ही वाज रियली स्वीट. ही वाज जस्ट लाइक, ओ हाय अमायरा, हाउ आर यू, आई हैव हर्ड सो मच अबाउट यू. आई वाज लाइक, ओके. सो एंड मेरे भाई था मेरे साथ, सो ऑब्वियसली छोटा भाई है, तो इतना मजाक उड़ा रहा था मेरे ऊपर. बोल भी नहीं सकती हूँ कि लाइक, अरे कुछ तो बोल, ठीक से बात कर, यू नो, लाइक डोंट बी सो स्टूपिड एंड लुकिंग डाउन एंड ऑल, एटलीस्ट लुक इट. सो एनीवे, फिर फिल्म खत्म हुआ एंड वी ऑल केम आउट, एंड आमिर सर केम, ही वाज लिटरली, ही केम एंड ही लाइक लिटरली लाइक कॉट मी, एंड ही इज जस्ट लाइक, हाउ गुड आर यू? वाओ. एंड मैं तो लाइक, मैं इसमें ना चेहरा ऐसा था, I was just like this, I didn't even know what to say, like kya bolu, I mean itna tareef that to Aamir sir kar rahe the mere, main kuch bol bhi nahi sakti thi, and I was like thank you sir, and he even asked me, he's like where have you trained, to maine bola main to training maine kuch nahi kiya, main to seedha acting mein ghus gayi. So he couldn't believe it, and he just said, he was like, this is one of your best performances, amazing. And I to like, nahi matlab mera Colgate wala smile aa gaya, you know, like ek gaal se dusre gaal tak. I was like, thank you sir. So yeah, I think that's the most I said, thank you sir. Wow, great, great, great. And I hope बाकी लोग भी, you know, जब फिल्म को देखें तो ऐसे ही rave reviews दें आपके काम को लेके. हमारे talking about, you know, you've done films, you've been in the OTT platform. तो आपका OTT platform को लेके, especially अब इंडिया में जिस तरह से इसका consumption बढ़ रहा है, तो what are your thoughts on that? I think it's great, but I genuinely feel कि अगर OTT को censor करेंगे तो हमारे इंडस्ट्री के लिए, हमारे देश के लिए बुरा हो जाएगा. बिकॉज यू नो, नाउ वी आर मेकिंग शोज लाइक तांडव भी, उसका बजट एक फिल्म का बजट का था. इट वाजंट सम स्मॉल बजट शो, इट वाज लाइक अ प्रॉपर ग्रैंड शो. एंड यू नो, ये ग्लोबल रीच के लिए जरूरी है. यू नीड टू बी एबल टू मेक कॉन्टेंट दैट द फुल वर्ल्ड इज गोइंग टू सी. क्योंकि OTT सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, यू नो, Netflix, Amazon, Hotstar, सब दूसरी दूसरी जगह में देखते हैं, दूसरे दूसरे देशों में देखते हैं. एंड विद दिस सेंसरशिप आई फील दैट इट विल जस्ट किल कॉन्टेंट जेन्युइनली. एंड आई फील दैट सैड बिकॉज हमारे जो राइटर्स है, हमारे जो निर्देशक है, दे हैव दैट इंटरनेशनल स्टैंडिंग यार. उन लोग जो 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 कहानियां अभी OTT पे दिखा रहे हैं, दैट इज अंडर अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म एंड दे आर रीचिंग दैट लेवल. Correct. तो अगर ये सेंसरशिप आएगा ना, आई फील लाइक दैट्स गोइंग टू हार्म आवर स्टांस, लाइक इंडिया स्टांस इन सिनेमा. करेक्ट, करेक्ट. एंड ऑल्सो OTT की वजह से बहुत सारे ऐसे यू नो डायरेक्टर्स को या स्टोरी टेलर्स को अपनी कहानी कहने का मौका मिला, एक्टर्स को काम करने का, अपने टैलेंट सबको
नाउ माई यू नो माई फ्रेंड्स, आई रिमेम्बर लॉकडाउन के दौरान वो सोच रहे थे कि यार वापस घर जाएं, मुंबई से जाएं, रेंट नहीं पे कर सकते हैं, क्या करें. फिर ओटीटी इतना खुल गया, नाउ दे आर ऑल वर्किंग करेक्ट एंड दे आर डूइंग गुड वर्क. और एंड यू नो लाइक हियर राइट नाउ, व्हेन लाइक आज ही मैंने पढ़ा कि 32 मिलियन पीपल फ्रॉम द मिडिल क्लास हैव नाउ गॉन डाउन टू पॉवर्टी लॉकडाउन के वजह. आई वाज रीडिंग द आर्टिकल सो एग्जैक्टली. सो हियर इंडस्ट्री में जहां यू नो जॉब्स बढ़ रहे हैं, जहां लोगों को और मौके मिल रहे हैं, यू नो इट्स सच अ बिग थिंग राइट नाउ एंड वी नीड दैट. Correct, correct. So I think OTT has really done a lot for this country. Yeah, and I think आपने कहीं कहा भी था that you feel that the industry is no longer star driven. So you think OTT is one of the biggest reasons behind it? So see what I meant by the industry. I love how people have picked up that one line. You know what I was trying to say is that time of superstars, जिस पे you know you had a Rajesh Khanna and all of that, you know, now it's full of normal stars, you know, because everybody is doing such good work. You don't have one superstar, two superstars. No, you've got like a good 10, 12 stars now. Yeah. You know, jo logo ko, either they'll bring you to OTT ya cinema hall. Mm-hmm. So for me, I feel like that whole star system has fallen. Yeah. That whole superstar jo hum kehte thi, that has sort of come down. And now you've become good actors. Yeah. You've got the good actors and you've got the bad actors. Yeah. So I think that is the thing. वो star वाला शब्द ना भी धीरे धीरे I feel like मिट जाएगा. हाँ, उसकी जगह actor, performer, वो शायद. Exactly. Exactly. I think as actors, you also would like कि आपको एक performer कहा जाए rather than you know आप actress हैं या आप एक star हैं, actor हैं, मतलब आपने जो काम किया. I think that's what you would also. Yeah, but I've never considered myself a star. जब लोग मुझे like oh star या अमायरा जी बोलते हैं, मैं photographers को भी बोलती हूँ कि यार मुझे जी मत बोलो, अभी तक वो जी का I don't know. I feel I haven't reached there. I like being known as a good actress and that's it. उससे ज़्यादा और उससे कम नहीं. Great. So Amara, what else are we going to see in future? और काम तो फिलहाल मैं डोंगरी टू दुबई के लिए शूट कर रही हूँ, जो एक्सेल एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं. वो भी अमेज़न शो है. दैट्स द लाइफ ऑफ दाऊद इब्राहिम. यस यस, वेरी 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 बिग बेस्ट सेलर, कॉल डोंगरी टू दुबई ओनली. बड़ी एक्साइटेड हुई इस पे कुछ बन रहा है. No, no, this is going to be amazing. Like, matlab, main toh bahut excited hoon, kyunki mujhe ye thriller wala aur like, you know, this bloody, gory, fight, all of that, mujhe bahut pasand aata hai. So, I love, and that too, it's based on Mumbai ka, like, matlab, sabse bada gangster. Yeah, yeah. So, yeah, you know, and I've grown up in town. I've grown up, like, listening to stories of Dawood sir and all of that. So, for me, it is something else. Yeah. And then I'm doing a Tamil film with Prabhudeva master called Bagheera. वो भी एक thriller है. तो वो भी अभी 2-3 महीनों में निकलेगा cinema halls में. Then I've also signed up with a very big OTT platform for a very big film, and that I'll be announcing next month. So you know, touch wood, काम आ रहा है मेरे पास और अच्छा काम आ रहा है मेरे पास. Great, और अच्छा काम आता ही रहे. But you know, अभी जैसे आपने बोला कि thrillers और ये gory इस तरह की जो चीजें हैं वो करना आपको पसंद है. Tell me Amaira, कोई एक ऐसा रोल जिसको हाँ कहने से you know आप दो बार नहीं सोचेंगे. Something that you really want to do. NH10. Wow. जो अनुष्का जी ने किया NH10. I would love to do a film like that. Okay. Great, great, great. So I hope you get all the work that you are wanting to get. और आप अपने natural talent से और अपनी ये bubbly spirit से हमको ऐसे entertain करते रहे. And last कुछ message आप अपनी film को लेके हमारी audience को कहना चाहती हैं? Just कि एक बड़ा twist है film में, तो please, please, please अगर आप लोग देख के जाएंगे, please किसी और को मत बता दीजिए. That's all. That is such an unexpected thing because generally लोग कहते हैं आई है हमारी पिक्चर देखिए. आप बोलो पिक्चर देखो बट दूसरों को मत बताओ. हाँ. Okay, so on that note, Amaira, thank you so much. Time निकाल के मेरे साथ बात करने के लिए. It was a pleasure talking to you. It was lovely. Thank you so much, Nidhi. Thank you. All the best.